This story is brought to you by tapeatale.com. तो इक्कीस साल की हूँ और आज तक ना मैंने सिर्फ यही समझा है कि कायनात इश्क को मिलाने के बड़े अजीब रास्ते निकालता है कॉम्प्लिकेटेड हमें हम लगते हैं पर असल में यूनिवर्स ही कॉम्प्लिकेटेड है डेस्टिनी लिखते लिखते शायद ये भी बीच में कन्फ्यूज जाते हैं इसलिए कुछ भी कर देते हैं प्लान्स जब फेल हो जाते हैं तो हम सारा ब्लेम कैसे खुद पे ले लेते हैं लाइफ इज अनफेयर सोच के निराश हो जाते पर भूल जाते हैं कि इट्स नॉट द एंड पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड यही सोच लेकर मैं चली गई मेरे कॉलेज फिल्म मेकिंग ली थी और पढ़ रही थी एक्टिंग पर गर्ल्स स्कूल की लड़की थी इसलिए दिल और दिमाग को बड़ा अजीब लग रहा था जब आसपास से गुजर रहे थे वो सारे हॉट लड़के जिनको आज तक मैंने सिर्फ स्टॉक किया था तो क्लासेस चलती गई और मुझे ना मेरे दोस्त भी मिलते रहे मेरे जैसे पागल और झल्ले थे दिल से बड़े प्यारे और बहुत करीब थे पर उनमें से एक शख्स थोड़ा ज़्यादा था बालों में वॉल्यूम और शक्ल पे रणबीर जैसा चाम था एक्टिंग में ए वन और हाइट में मुझसे लंबा था आज के पहले मैंने कभी ऐसा नहीं करा कभी किसी दोस्त पे मैंने क्रश नहीं रखा उसूल है भाई मेरे दोस्ती में नो प्यार प्यार पर इस लड़के ने रातों रात मेरे उसूल ही बदल डाले वो ना बेसिकली मेरे ग्रुप में था मेरी आ, दोस्त में था और पर उसे खबर नहीं थी कि मुझे उसके लिए क्या क्या फीलिंग्स थी सच कहू तो मुझे वैसे देखता भी नहीं था बस दोस्त मान के दो बातों पे हंस देता था और रात को हैंग आउट कर लेता था वो तो ज़्यादा वक्त मेरे साथ बिताता तो था पर उसे कभी समझ ही नहीं आया क्या पता उसने कभी समझना ही नहीं चाहा पर मैंने भी गिव अप नहीं करा तुम्हारी बहन इतनी ईजिली गिवअप करने में से नहीं है क्योंकि बंदा लग सिंगल रहा था ऊपर से कोई लड़की का खिचपिच नहीं चल रहा था एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम इट फील लाइक होम अवे फ्रॉम होम इतना कम्फर्टिंग लग रहा था और मुझे पता चल रहा था कि ये ना सिर्फ चाहत नहीं हो सकती ये उससे कहीं ज्यादा है अनप्लैंड था पर प्रेम के शबाब जैसा पर पर प्रॉब्लम यही थी बस प्रॉब्लम यही थी ये सब वन साइडेड था ऐदल मुश्किल का सेकंड सीक्वल चल रहा था क्योंकि मैंने उस लड़के को इतने हिंट्स दिए जितने वेडिंग कोरियोग्राफर भी लेडी संगीत में नहीं देता होगा <laughs> पर मामला है जो बैठ ही नहीं रहा था महीने बीत रहे थे और मेरा प्यार मुझी से दूर जा रहा था एक दिन वो मैं और मेरे सारे दोस्त निकल रहे थे कैंटीन टू क्लास की तरफ बात आई प्रोम नाइट की कॉलेज का फर्स्ट प्रॉम नाइट था और हमें ना कपल एंट्री लेनी थी बड़े एक्साइटेड थे तो बातों बातों में सब अपने अपने कपल डिसाइड कर रहे थे मैं चुप थी पर नज़रें मेरी उस पर थी ये बंदा आज तो कुछ कह दे बस अब मैन अप करके मुझे सबके सामने पूछ ले लगाऊंगी इसको हाँ कर दूंगी प्रॉम इसी के साथ जाऊंगी भाई साहब को दो मिनट लग गए बोलने में उसके मुंह से निकला तो सही पर नाम मेरा नहीं कहता है आयशा विथ स्माइल ऑन फेस एंड ब्लश ऑन हिस्स चीक्स एंड माई जॉ ड्रॉप फॉर ए सेकेंड मैं क्या आई आयशा भी मुस्कुराई उसने मुस्कुरा के नजरें नीचे कर दी ये जो तीसरे इंसान होते ना रिलेशनशिप में ये जो तीसरे इंसान होते हैं ना रिलेशनशिप में कैसे चुपचाप आते हैं कैसे चुपचाप एक थप्पड़ मारते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं ये हर चीज इतनी छुपचाप करती इनका सदमा भी दिल को हमें छुपचाप ही पड़ता है ये कब कैसे क्यों आते हैं मुझे नहीं समझ आता मुझे उस दिन समझ आया कि ये लड़का मेरे साथ ही हैंग आउट करके रात को जाता गया था द रेड मार्क ऑन इज नेक जो मुझे परसों दिखा था <laughs> वो वही बर्थ मार्क नहीं था हा वगैरह भी सो स्टूपिड रुचिका दिल ना मेरा टूटा नहीं बिखर गया था और यह सब हो रहा था उस पांच मिनट के रास्ते में कैंटीन टू माई क्लास चलते चलते कब मैं स्लो मोशन में चली गई मुझे पता ही नहीं चला हाथों में टूटा दिल लिए पे वो फेक स्माइल बस कोई मुझे बेचारा ना माने मेरी यही मेरी यही दुआ थी तो राइट साइड की दीवार पे मुझे लाल बटन दिखा कन्फ्यूजन डिसअपॉइंटमेंट इरिटेशन में पता नहीं क्यों मैंने वो बटन दबा दिया दैट बटन वॉज वा अलार्म एंड आई प्रेस इट बिकॉज माई हार्ट वॉज ब्रोकन हाउ स्टूपिड आई एम पाँच सेकेंड का पॉज और तेज पूरे कॉलेज में फायर आम बज गया वो आवाज़ ना मेरे टूटे दिल के शोर जैसा था इतना तेज कि मुझे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी समझते समझते मुझे दो मिनट लग गए मैंने देखा सब दोस्त मिनट और के भाग गए मैं वहाँ खड़ी थी आंखें खुली पर होश में नहीं थी होश आया तो देख रही हूँ पूरा कॉलेज भाग रहा है मुझ पर चिल्ला रहा है भाई भाग आग लग गई है हम सब जाके स्टिल पे खड़े हो गए मैं आसपास देख रही हूँ लोग घबराए हुए थे टीचर्स चीखते हुए नजर आ रहे थे स्टूडेंट दे प्लीज रन फास्ट टू द स्टिल डीन कॉल कर रहा है हर बाथरूम चेक हो रहा है सबके बीच मैं खड़ी हूँ जिसकी ये उंगली से सब हो रहा है रियल <laughs> स्टोरी है ब्रो मुझे ना बहुत तेज हंसी छूटी भाई क्योंकि एग्जैक्टली सेम घंटी बजी थी जब उसने आयशा का नाम लिया था ऑल दिस वॉज हैपनिंग बिकॉज ही टुक्स आयशाज नेम नहीं होता अगर वो मेरा नाम लेता पर नहीं इसलिए मैं अगले दिन फिर कॉलेज आई फिर वही कैंटीन टू क्लास का रास्ता पकड़ा और चलते चलते पता नहीं क्यों फिर फायर नाम बजा दिया कहते हैं लोग टूटे दिल में ना कुछ भी हरकतें करते हैं इसलिए मैं भी खुद को कुछ भी करने दे रही थी एटलीस्ट मैं इतना तो डिजर्व करती थी है ना आंटी आती थी बजाती थी भाग जाती थी आती थी बजाती थी भाग जाती थी सबके बीच शायद मुझे उसे पटाने ज्यादा इस थ्रिल में मजे आने लग गए कि मैं फैलाम बजाऊ और सब भागे ऐसे करते करते सात दिन बीत गए पता नहीं कितने तो लोगों के आशीर्वाद मिल गए क्योंकि क्लासेस मैं बंद करवा रही थी पर अगर आलिया भट्ट सॉरी आलिया भट्ट कपूर के लिए आठ नंबर लकी हो तो इसका मतलब ये तो नहीं मेरे लिए भी लकी होगा आठवीं दिन कॉलेज चालू होने से पहले ही बंद कराने की उम्मीद में मैंने बजा दिया फाइला इस बार बहुत थ्रिल में थी कुछ नया ट्राई करते अलग जगह से बजाया था बिना देखे कि उसके ठीक ऊपर कैमरा लगा था जो सीधा डीन के ऑफिस से कनेक्टेड था <laughs> कॉल आने लग गए मैडम आपने फाइला बजाया मैंने कहा नहीं बोलते मैडम आपको पूछ नहीं हम बता रहे <laughs> कहा हाँ तो बोलते टीचर्स बुला रहे जल्दी आओ मैंने कहा ठीक है बिना स्ट्रेस लिए उनके नंबर ब्लॉक और सो गई नींद में क्योंकि बेसिकली दो किस्म के लोग होते हैं एक जो गलती करते हैं और माफी मांगते हैं एक फट्टू जो गलती करके भाग जाते हैं मैं फटू किस्म की लड़की हूँ मुझे माफ़ी माफ़ी मांगने में इतना लेन देन नहीं है मेरा तो अगले दिन मैं फिर कॉलेज आई पहला क्लास था और बड़े नींद में थी वॉशरूम जाते हुए फ़ोन खोला मन तो था स्क्रोल करने का देखा कि मम मम्मी के बीस कॉल और पापा के पंद्रह कॉल मैंने फ़ोन उठाया क्या हुआ कि तूने क्या किया ने कहा क्या क्या तू सस्पेंड हो गई चेक कर मेल क्या ना माई मॉम डैड दे कम फ्रॉम अ वेरी वेल एजुकेटेड फैमिली टेन सी जी पी ए पीपल मैंने कहा हाँ मैं चेक करती हूँ पापा मेल खोला योर डॉटर इज कॉजिंग द प्रॉपर्टी एंड स्टूडेंट्स विथ अनसेसरी डिस्टर्बेंस बाय पुटिंग ऑन फायर अलार्म कॉजिंग अस ऑल टू रन दैट्स वाय शी हैज बीन सस्पेंडेड फॉर सेवन डेज एंड शुड नॉट बी सीन नियर द कैंपस एरिया ऑल्सो मेल क्लोज्ड पता है इस पूरे मेल में मुझे सबसे हर्टफुल चीज़ क्या लगी शुड नॉट बी सीन नियर द कैंपस एरिया ऑल्सो इवन नियर थोड़ा रोई फिर बैग उठा और निकल गई उन दिनों में किसी से ज़्यादा मिल नहीं रही थी क्योंकि मुझे सच बताओ मुझे बहुत शर्म आ रही थी जब वापस कॉलेज जाने का वक्त आया तो मेरे टीचर्स ने मेरा वेलकम बहुत अजीब तरीके से करा ऐसा लग रहा था सब डर रहे मुझसे <laughs> वो बहुत कुछ पूछना और जानना चाहते थे मुझसे मेरे लिए काउंसलिंग सेशन रखा गया याद है मुझे आज तक कि मलमल वाले सोफे पर मुझे बिठाया हाथों में पानी की ग्लास थमाया और सामने बैठी एक काउंसलर ने मुझसे पूछा तुम ठीक तो हो बेटा तुम ये सब क्यों करती हो इफ देर इज एनी थिंग वी आर देयर टू हेल्प यू रुचिका वी वॉन्ट टू हेल्प यू मे का हेल्प मी फॉर वॉट वॉट डिड आई डू पर मैं इन्हें ये सब नहीं बोला चुप थी सुन रही थी पर मेरे पास सब कुछ बचा नहीं था बोलने को मतलब मैं एक सन्नाटा था ना उस रूम में मैं क्या ही बोलती क्या ही रीजन देती कोई रीजन होता है क्या फायला बजाने का बजा दिया <laughs> बड़े टॉर्चरिंग सेशन के बाद दो घंटे के बाद निकल रही थी टूटे दिल और अजीब फीलिंग के साथ चलते चलते चलती गई और किसी ने आके ना मुझे गले लगा लिया <laughs> वो फीलिंग ऐसी थी याद है जब समर ब्रेक में लोग खेल के आते थे और मम्मी रसना ठंडा ठंडा बना के पिलाती थी दैट सेटिस्फैक्शन मैंने पीछे मैंने पीछे झुक के देखा वो था कहता है आई डोंट नो वाई वाइल उस दिन इस दिन मुझे कुछ समझ आया कि प्यार में ना प्लानिंग और एक्सपेक्टेशंस नहीं चलती ये और कुछ नहीं बस कायनात के लिखी है कहानी क्योंकि कब कैसे किसी को नहीं पता पर ये मिलता ज़रूर है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है थैंक यू थैंक यू सो मच